हाँ जी, तो एवरीवन कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका फिर से एक और मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ कहाँ, ये देखो टीन सेट के नीचे जहाँ पे मेरी कार खड़ी होती है, और अभी हो रही है भयंकर तगड़ी बारिश, और अभी बज रहे हैं सुबह सुबह के 9 और उधर पे मेरी कार खड़ी हुई है क्योंकि मैं इस कार इसी के अंदर रखता हूँ वैसे तो, और लेकिन कल परसों मैंने बाहर रख दी थी क्योंकि सुबह। अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हो रही है तगड़ी वाली बारिश और इसके नीचे मैं क्यों खड़ा हूँ, घर तो मेरा सामने है और मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि मैं जाने वाला था अभी थोड़ा सा हेयर कट करवाने के लिए, बाल बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े हो गए हैं, तो सोचा कि मैं आज हेयर कट करवाएं, तो मैं और आज संडे भी है तो मैं जाने ही वाला था। मैं हर संडे को जाता ही हूँ सैलून वगैरह, बट बाल मैंने बहुत दिनों से नहीं कटवाए तो फिर मैं सोच रहा था चलो चलते हैं, और जैसे ही बाहर निकला वैसी हो रही थी बारिश तगड़ी वाली। गाइस देख रहे हो यहाँ पे टीन सेट बन रखा है, ठीक है बना रखा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी इसके अंदर गिरता रहता है। फिर भी देखो ये तो स्कूटी है, ये पापा ले जाते हैं, और बाइक देखो कहाँ खड़ी हो रखी है, वहाँ पर पूरी भींग रही है बाइक, और ये पापा की साइकिल है और पापा ही ले जाते हैं स्कूटी और पापा चलाते, और मेरी कार उधर खड़ी है और बाइक। तो टीन सेट बना हुआ है, टीन सेट के नीचे मैं खड़ी नहीं करता, मतलब पहले कार खड़ी कर देता था लेकिन कार निकाल दी तो बाइक भी वहीं पर खड़ी, बाइक फिर बाइक के लिए जगह नहीं बचती तो बाइक वहीं की वहीं खड़ी, और बारिश हो रही है। बाइक में भी एक दिन काम करवाना था और सर्विसिंग वगैरह करवानी है। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूँ मैं चालू करने वाला हूँ मोटो ब्लॉगिंग। कभी कभी आपको मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आपको ब्लॉगिंग के मामले में हर तरह के ब्लॉग मिलेंगे, वैसे तो मेरे को मोटो ब्लॉगिंग का भी शौक है, तो मैं इसी बाइक से, अपन अपने पास कोई तगड़ी वाली बाइक तो है नहीं, बट इसी पल्सर से अपन मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। फिलहाल तो गाइस अपन को जाना है सैलून, लेकिन बारिश हो रही है, मैं निकला तो बारिश होने लगी, क्या करें अब, थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बारिश रुकने का, उसके बाद चलेंगे अपन सैलून, मैं दिखाऊँ। घर से निकला हूँ, अभी भी बारिश हो गई है, ये देख सकते हो पूरे तरफ बारिश ही बारिश हो जा रही है, लेकिन तो उस टाइम से थोड़ी हल्की हुई है, और अभी बच चुके हैं 12 दिन के, और मौसम देखो मौसम ठीक है पर बारिश हो रही है। मैं मार्केट जाने, चलो चलते हैं सीट के लिए, पहले पहुँच लेते हैं फिर चलेंगे। तो गाइस अभी मैं मार्केट पहुंच चुका हूं, मार्केट के अंदर है, आज ग्राहक नहीं आए क्या? मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, बारिश रुक जाए बारिश रुक जाए, रुकी नहीं रही थी, मुझे लग रहा था आपने दुकान नहीं खोली आज। तो दोस्तों ये है मेरा फाइनल लुक जो कि भैया ने बना दिया मेरे को, बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। बहुत टाइम बाद करवाया था, पहले करवाता था मैं, अब शौक नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं टकला होने वाला हूँ इस वजह से मैंने करवा लिया ये, बताना कैसा लग रहा है। बढ़िया हुआ यार, मैंने सोचा नहीं था कि करवाने पर इतना बढ़िया होगा, अच्छा लग रहा है, पर बहुत टाइम बाद करवाया, पहले करवाता था मैं ऐसा। और गाइस ये है टेकनपुर की मार्केट, बरक भैया की दुकान, बरक हेयर सैलून। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे के साइड, और गाइस मैं इस टाइप का अभी बाल कटिंग करवाने वाला नहीं था, बट मैं टकला होने वाला हूँ कुछ दिनों में, इस वजह से मैंने ये बाल कटिंग करवा लिया। आ गया हूँ हाईवे पे, हाईवे पे मैं इसलिए आ गया क्योंकि मैं सोचा थोड़ा मौसम के मज़े ले लेते हैं, बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है देख, है ना, थोड़ा इन्जॉय करेंगे। भीग गया हूँ वैसे तो मैं, इस वजह से मैं सोचा क्यों ना भीग गया हूँ। तो गाइस यहाँ पे अभी एक ढाबा है ये, तो यहाँ पे अभी मैं चाय पीऊँगा, और चाय पी के फिर यहाँ से निकलूँगा घर।